तो हम पढ़ेंगे कि इको सेंसिटिव जोन्स क्या होते हैं। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी केरला के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उनके जो बॉर्डर पे रह रहे हैं, यहाँ पे 115 डेंसली पॉपुलेटेड पंचायत में, वो अपनी ना ही लैंड लूज़ करेंगे और ना ही लाइवलीहुड लूज़ करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 1 किलोमीटर का बफर जोन बनाना है आपको अराउंड इकोलॉजिकली सेंसिटिव लोकेलिटीज़। तो समझते हैं इको सेंसिटिव जोन्स क्या होते हैं। तो इको सेंसिटिव जोन्स जो हैं वो नेशनल वाइल्ड लाइफ प्लान 2002 से, जो 2016 में इशू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसमें ये डिफाइंड है। इसमें क्या होता है कि जो लैंड होती है विद इन 10 किलोमीटर ऑफ बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको हम नोटिफाई करते हैं इको फ्रेजाइल सेंसिटिव जोन या इको सेंसिटिव जोन। ये 10 किलोमीटर का रूल जो है ये जनरल है, मतलब इससे कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। तो क्यों क्रिएट किए जाते हैं इको सेंसिटिव जोन्स? तो इको सेंसिटिव जोन्स शॉक एब्जॉर्बर के लिए क्रिएट किए जाते हैं टू मिनिमाइज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द फ्रेजाइल इको सिस्टम बाई सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस नियर बाई। तो ये जो एरियाज हैं ये ट्रांजिशन जोन की तरह क्रिएट करते हैं। फिर ये जो जोन्स हैं इनमें क्या है कि आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, अगर जो भी मतलब विसिनिटी में रह रहे हैं, उसके आसपास रह रहे हैं, वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, उस पर कोई बैन नहीं होता है। तो जो एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड हैं वो हैं कमर्शियल माइनिंग, आप कमर्शियल माइनिंग नहीं कर सकते, सॉ मिल्स नहीं लगा सकते आप कमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते वुड का, ठीक है, या फिर आप पेड़ नहीं गिरा सकते हो, ये सब एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड होती हैं। तो परमिटेड एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि ऑनगोइंग एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब आप कर सकते हो।